डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में थोड़ा आपने पढ़ा होगा, टेंथ में कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर वगैरह वो आपने पढ़ा होगा। आज हम सीधे रिफ्रैक्शन पे जाएंगे। लेट अस सपोज दैट वी हैव अ प्रिज्म हियर जिसका प्रिंसिपल सेक्शन ट्रायंगुलर प्रिज्म ये है, सेक्शन ये है उसका, हैविंग एंगल ऑफ प्रिज्म ए, this is B and this is C. We have a ray of light which is incident upon this, okay? This is the normal and this is angle of incidence, okay? Let us suppose that this is at point Q. Now after refraction, since it passes from rarer to denser medium, to ye bend hogi kuch aise, theek phir yahan seedhe chalegi. ऐसे चलेगी, ठीक है। नाउ एट दिस पॉइंट, लेट अस से दिस इज पॉइंट पी क्यू आर, इट विल एनकाउंटर रेयरर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हेयर इट हैज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो इफ वी ड्रॉप द नॉर्मल हेयर, दीज टू नॉर्मल्स मीट हेयर, लेट अस से दिस इज एन टू नॉर्मल एंड दिस इज एन वन नॉर्मल, ओके। इट ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है और यहां पर ये 90 डिग्री है, ठीक है। नाउ हियर इट मेक्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन एट दिस पॉइंट, सिंस इट काउंटर्स द रियर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मेक इन एन एंगल ऑफ ई। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एज यू नो, एंड दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे ई आर, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, angle of emergence. Now in quadrilateral A Q O R, in quadrilateral A Q O R, sum of its angles is 360, because sum of the angles of quadrilateral is 360, जैसे triangle का 180 होता है, ठीक, क्योंकि quadrilateral के दो triangle बनते हैं। So एंगल ए प्लस एंगल ए क्यू ओ प्लस दिस एंगल ओ प्लस दिस एंगल ओ आर ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ चूंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, जैसे मैंने दिखाया, सो दिस कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ओ, इसके बदले में प्लस 90 डिग्री, ठीक है। यहां से कितना है 360 डिग्री, ठीक है। तो 90 प्लस 90 180, जब ट्रांसफर होगा ये माइनस होगा तो यहां बचेगा सिर्फ 180। तो एंगल ओ के बदले में सीधे लिखूंगा ए प्लस ओ, इसके बदले में लिखूंगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस इक्वेशन को याद रखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। नाउ if this prism were not present, then ray of light, as you know, will have traveled in straight line in this direction. Since if we produce backward the emergent ray, then this angle here delta, that is the ray has deviated this through this angle, itna angle deviate ho gaya, this is called angle of deviation, angle of deviation. Let us write this as M. Now, ये जो यहां पर एंगल है, this angle, ये N Q, let us say N dash, N Q N dash, that is I, will be equal to M Q O, because these are vertically opposite angles. So ये सारा जो होगा, ये एंगल यहां से यहां तक, ये I होगा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, चूंकि डिविएशन प्रोड्यूस करता है इतनी रे इस पॉइंट पे, तो यहां रे जा रही तो यहां हो गई, तो डिविएशन क्या कितनी हो गई, दैट इज आई माइनस आर वन, आई माइनस आर वन, ठीक। सिमिलरली यहां पर जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है एन टू आर, लेट अस से एन टू डैश, ठीक है।
एन टू आर एन टू डैश, ये ई के बराबर है, इसका वर्टिकली अपोजिट एम, अपोजिट एंगल एम आर ओ, तो ये बराबर है, तो ये किसके बराबर है सारा एंगल, ये है ई के। तो इतना जो ये छोटा सा एंगल यहाँ पर है, जैसे ये है आई माइनस आर वन, तो ये जो छोटा सा एंगल यहाँ पर है ये क्या होगा ई माइनस आर वन, ठीक है। तो टोटल डिविएशन प्रोड्यूसर ये हो गई, यहाँ पर डिविएशन ये होगी, सो इट विल बी सम ऑफ द डिविएशन, या this delta that is angle of deviation is exterior angle of triangle MQR, so it should be equal to sum of the opposite angles, that is I minus R1 plus E minus R2, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं as delta is, that is deviation is exterior angle of triangle एम क्यू आर, देयर फोर इट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, देयर फोर डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू, एक तो है आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, या हम कॉमन निकाल सकते हैं, इन दो को ऐड करेंगे आई प्लस ई माइनस, यहां इन दो में से कॉमन निकालेंगे, इट विल बी आर वन प्लस आर टू, ठीक है। यहां पर हो गया, लेट अस राइट दिस एज इक्वेशन टू। ओके नाउ एंगल ए प्लस ओ, दिस इज 180। ऑल्सो इन दिस ट्राइंगल क्यू ओ आर, आर वन यहां हम लिखेंगे, आर टू में भूल गया था, दिस इज आर टू, ठीक है, यहां पर आर टू है ये, ठीक है, यहां पर रिफ्रैक्शन ये आर टू है, ठीक है। सो R2 plus R1 plus angle O is equal to 180. So, in triangle, यहाँ पर लिखूंगा मैं, in triangle QOR, R1 plus O, R1 plus O, angle O या O लिखो, ठीक है, plus R2 must be equal to 180, because sum of the angles of a triangle is 180. तो 180, let us say this is equation 3. Now, equation 1, A plus O is 180, R1 plus R2 plus O is 180, so we can equate these two, तो जब equate करेंगे, A plus O is equal to R1 plus R, O plus R2, this O and O will go, क्योंकि minus हो जाएगा, so angle A will be equal to R1 plus R2, this is important equation, equation number 4, ठीक है। अब R1 plus R2 किसके बराबर, A, तो जब हम यहां देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, व्हाट विल गेट द डिविएशन डेल्टा विल बी इक्वल टू I plus E plus इसके बदले में क्या लिखेंगे A, तो ये होगा माइनस A, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, डेल्टा इज इक्वल टू I plus E minus A, हियर व्हाट विल सी एंगल ऑफ, जो डिविएशन किस पे डिपेंड करती है, ए तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, क्योंकि वो अगर गिवन प्रिज्म है तो कांस्टेंट रहेगा, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, इमर्जेंस पे नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ इमर्जेंस यानी किस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट रे पे, यानी जिस एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा उसके हिसाब से एंगल ऑफ इमर्जेंस बदल जाएगा, ठीक है ना। सो ये जो है डेल्टा डिविएशन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, ये नोट करके रखो और स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ मैंने ये जो पहली इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 यहां पर लिख के रखी है, नाउ इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन डिविएशन डेल्टा एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका प्रैक्टिकल भी है, क्लास में करना है आपको, आई, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, तो वी फाइंड अ ग्राफ लाइक दिस, यहां पर देखिए, तो यहां से डेल्टा है, अगर कोई वैल्यू हम डेल्टा का देंगे, दैट इज ए डेल्टा डैश, इस पॉइंट पे है, ये ओरिजिन है, तो अगर हम एक लाइन डालें तो ये इस कर्व को दो जगह कट करती है, तो यहां डेल्टा का वैल्यू सेम है, बट
जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कुछ है और यहां पर, ठीक है ना, यहां पर एंगल ऑफ ये जो है यहां कुछ है, लेट से ई डैश या आई डैश है, ठीक है, यहां आई वन है, यहां लेट से आई टू है, तो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डिविएशन सेम है। ये क्या क्यों होता है ये मैं बताऊंगा। देखिए अगर यहां पर आई और ई को मैं रिप्लेस करूं, क्योंकि डेल्टा इज डिपेंड, डिविएशन किस पे डिपेंड है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए डिविएशन जो इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म, वो तो अगर गिवन प्रिज्म है तो वो चेंज नहीं होगा, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई तो एज पर जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो एज पर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता रहता है, ठीक। अगर हम यहां पर रिप्लेस करें ई को आई से और आई को ई से, सो डेल्टा क्या होगा, ई प्लस आई, यानी इसको ई बना दिया, इसको आई बना दिया, सो डेल्टा विल रिमेन अनचेंज, ठीक है ना। सो इसी तरह से अगर यहां हम एंगल ऑफ इमर्जेंस ले लेंगे, ये ले एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो देयर विल बी नो चेंज, दिस इज बिकॉज ऑफ द सिमेट्री एंड ये जो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो अगर लाइट यहां से आ रही है, अगर बाहर निकली, अगर हम उसको नॉर्मली इंसिडेंट मिरर पे करेंगे तो वो वही वापस ट्रेस करेगी, तो अगर वो एंगल ऑफ इमर्जेंस है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बन सकता है, उसका एंगल ऑफ इमर्जेंस फिर आई होगा, ठीक है ना। सो वी कैन इंटरचेंज आई एंड ई, ठीक। नाउ बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, वो मैंने आपको पढ़ा है। अब यहां पर सिर्फ एक वैल्यू है डेल्टा का, फॉर अ गिवन वैल्यू डेल्टा, यहां पर ए की वैल्यू है, ये कब आता है, व्हेन आई इज इक्वल टू ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, तब हम कहते हैं ये जो प्रिज्म है इट इज इन मिनिमम डिविएशन पोजीशन, ओके। सो दिस एंगल इज कॉल्ड डेल्टा एम, और डेल्टा एम इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, यानी वो एंगल जब रे जो लाइट पास होगी प्रिज्म से वो मिनिमम डिविएट हो जाए, ठीक है। तो ये है ग्राफ। अब उस वक्त क्या होता है, अगर हम प्रिज्म यहां पर आपको दिखाएं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहां पर आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये दोनों बराबर है मिनिमम डिविएशन, तो जब ये दोनों बराबर तो रे ऑफ लाइट क्या जाएगी, रे ऑफ लाइट विल बी पैरेलल टू the base, so in minimum deviation position ray of light is parallel to the base of the prism, or ye jo yahan par angle of refraction hoga r1 or r2 ye equal honge, aur kyunki ye equal hai तो एंगल ऑफ, जब ये होगा जो यहां पर एंगल ऑफ 10 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन समझो कुछ 2 डिग्री आ गया, तो चूंकि यहां पर भी वही एंगल है तो उसका भी रिफ्रैक्शन वही आएगा, बिकॉज मटेरियल इज सेम, तो R1 विल बी R2 इज इक्वल टू R, वो आगे में दिखाऊंगा। सो याद रखो इट इज पैरेलल टू द बेस। नाउ तो यहां पर जब मिनिमम डिविएशन, एट मिनिमम डिविएशन पोजिशन, मिनिमम डिविएशन पोजिशन आई इज इक्वल टू ई, तो ये क्या बनेगी इक्वेशन, डेल्टा बनेगा डेल्टा एम, ये बनेगा आई, सो यहां दे दो यहां, सो इट विल बी टू आई माइनस ए, तो आई किसके बराबर निकलेगा, ये इस साइड में ट्रांसफर करो, डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई टू, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, ये आ गया। Also, R1 is equal to R2 at minimum position, at minimum deviation position, R1 is equal to R2 is equal to R. तो जब हम इस equation में करेंगे, तो हमें क्या निकलेगा? A will be equal to 2R, और angle of refraction will be equal to A by 2. Let us say this is equation number 7. Now, अब हमें angle of incidence भी मिल गया, और angle of refraction भी मिल गया. So, we can find the this refractive index of material of the prism, so that we have to divide sin I by sin R, so sin of I by sin of R, wo kya hoga, iska sin, that is sin of
डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई टू, ये एंगल को डिवाइडेड बाई टू है याद रखना, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई टू। कुछ ऑथर्स डिवेशन डेल्टा एम को डी एम बी लिखते हैं, ठीक। तो ये हो गया साइन ए बाई साइन आर। तो साइन ए बाई साइन आर दैट विल बी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटेरियल ऑफ द प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू एयर, अगर एयर से लाइट आ रही है, अगर वाटर से आ रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वाटर एंड सो ऑन। सो वी कैन राइट इट एज साइन ए बाई साइन आर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू दैट इज ऑफ द प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन दैट इज हेयर, यहां पर एयर हमने ले लिया, दैट विल बी साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई टू साइन ऑफ ए बाई टू। तो ये हमारे लिए फार्मूला बनी हाउ टू फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटीरियल ऑफ द प्रिज्म। ये आपको प्रैक्टिकल भी करना है, प्रैक्टिकली भी दिखाना है, ओके। नाउ दिस फार्मूला कैन बी फर्दर मॉडिफाइड फॉर अ थिन एंगल्ड प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म यानी जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल हो, या उसको कहते हैं फॉर स्मॉल, इसको कहते हैं स्मॉल एंगल प्रिज्म। और फॉर नो नियर, ये एक कंडीशन, या ये फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंस। नियर नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई एंड साइन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। क्यों, उस वक्त नियर नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट पे एंगल आई होता है जीरो, ठीक है ना, आर भी जीरो, नियर नॉर्मल होता है आई इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, हेंस आर विल बी आल्सो स्मॉल, ठीक है। तो फॉर नियर दिस वी कैन रिप्लेस दिस साइन बाय सिंपली दिस एंगल, हम साइन को हटा देंगे, ठीक। सो so this will be equal to n2 1 sin, ab chhod denge kyunki small angle hai, sin i ko i se replace karenge, that will be delta m plus a by 2, wo a the whole divided by 2 a by 2, this 2 and 2 will cancel, n2 1 is equal to delta m plus a divided by a, cross multiply karo, n2 1 into a is equal to delta m plus a, ए को इस साइड में ले आओ और कॉमन निकालो, दैट विल बी एन टू माइनस वन इंटू ए विल बी इक्वल टू डेल्टा एम, वो मैं यहां से लिखूंगा डेल्टा एम। ये ए को रिलेशन है फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल होता है 6 डिग्री 7 डिग्री 10 डिग्री का एंगल, एंगल ए हो तब उसको स्मॉल एंगल या थिन प्रिज्म कहते हैं। तो ये एन टू वन, ठीक है, या सिंपली हम इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा एम इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पास एक प्रिज्म है, ठीक, हमें उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसके मटेरियल का ढूंढना है, तो उसका एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन 40 डिग्री है और एंगल ऑफ प्रिज्म ये है 60 डिग्री। तो कैसे करेंगे, आपको पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, दैट इज दिस इज मीडियम टू, दिस इज मीडियम वन, सो एन टू वन, सो वन इज दैट इज एयर, ये एयर है तो ये प्रिज्म का मटेरियल ग्लास, सो वी विल हैव साइन ऑफ डेल्टा दैट डेल्टा एम प्लस ए बाय टू, ये फॉर्मा लगाएंगे, डिवाइड बाई साइन ए बाई टू, सो एन टू वन विल बी इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा एम कितना है 40 डिग्री प्लस ए कितना है 60 डिग्री डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई साइन 60 डिग्री बाई टू, ठीक है। 60 प्लस 40 दैट इज 100, 100 डिवाइड बाई टू दैट इज 50 डिग्री, सो इट विल बी इक्वल टू
साइन 50 डिग्री, दिस इज ए बाई टू, एंगल को डिवाइड बाई टू, सो डिवाइड बाई साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री ऐसे करेंगे तो ये आएगा, साइन 30 इज 1 बाई टू, साइन ऑफ 50 डिग्री, साइन 30 इज 1 बाई टू, ठीक है. सो एन टू 1, साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये ऊपर चला जाएगा. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप साइन 50 का वैल्यू ढूंढोगे, तो वो आएगा, इट कम्स आउट टू बी 1.53, ठीक है. 2 इंटू साइन 50 डिग्री आप खुद कर लेना, दैट विल बी 1.53. आप स्क्रीनशॉट ले लो. इसको न्यूमेरिकल है, अ स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज 1.62, गिवन अ डिविएशन, उसकी जो डिविएशन देता है डेल्टा वो 4.8 डिग्री है. फाइंड द एंगल ऑफ द प्रिज्म, यानी एंगल ऑफ द प्रिज्म हमें ढूंढना है. तो यहाँ जो फॉर्मूला लगी वो फॉर थिन एंगल प्रिज्म, डेल्टा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए, ठीक. तो ए किसके बराबर होगा, डेल्टा बाई एन माइनस 1. सो ए इज इक्वल टू, डेल्टा कितना है 4.8 डिग्री, एन कितना है 1.62 माइनस 1, दैट विल बी 4.8 डिग्री डिवाइडेड बाई 0.62, ठीक है. तो इसको डिवाइड करो तो देखो कितना आता है, इट कम्स आउट टू बी 7.74 डिग्री, ठीक है. तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे डिस्पर्शन वगैरह, इसमें जो होता है उसके बारे में, ठीक है ना, डिस्पर्सिव पावर वगैरह. ओके.